हाय गाइस, कैसे हैं आप? अच्छा, कैसा टेस्ट लगा आप खा रहे हैं? मैंने देखा, आपसे पूछ लूं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा अच्छा जी है। घर जैसा टेस्ट? अच्छा अच्छा, मम्मी याद तो नहीं आए? बोला घर जैसा टेस्ट है। अच्छा, रोज आते हैं आप यहाँ पे? नहीं, कभी कभी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी नाइट शिफ्ट रहती है, तो जब डे शिफ्ट होती है तभी हम आते हैं। अच्छा ठीक है जी। चलो, एक मैंने देखा न्यूली मैरिड है आप तो, है ना? तो आप ये तो आपके लिए बढ़िया है, खाना पकाने की जरूरत नहीं पड़ती ना, यहाँ पे आके खा लिया। नहीं, यहाँ तो मैं कभी कभी आ जाते हैं दोस्तों के साथ, अदरवाइज मैं घर से खाना लेके आती। अच्छा, मैं आया था जी किसी काम, और यहाँ से निकल रहा था तो सड़क किनारे मैंने देखा हमारे मैडम जी, एक महिला खुद एक छोटा सा कार चलाते हुए। हाँ जी, नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। आपका शुभ नाम? पूजा वर्मा। अच्छा पूजा जी, बताएं आप क्या क्या, मैंने देखा बड़ा अच्छा आपने रखे हुए ड्रम, और आपके पास रश, काफी बंदे बच्चे भी आपके यहाँ पे आते हैं, तो ये कौन सी कंपनी है आसपास? कोई यहाँ पे टीपी कंपनी है। अच्छा जी, सेंटर है। ठीक है जी, कंपनी और भी यहाँ पे बहुत सारी कंपनी। अच्छा, तो आप कब से ये कार चला रहे हैं अपना? हमें 4-5 साल हो गए। ठीक है जी, स्टॉल जो आपका है दिखाएं जरा, क्या क्या रखा है आपने इस स्टॉल में? हमारे पास राइस है। वाह जी, कौन से राइस है जी? बासमती। वाह जी वाह, गुड जी गुड। राजमा जी, एक बार दिखाइए जरा ऊपर करके। हाँ यस, ठीक है। ये कौन से, जम्मू वाले राजमा जी? नहीं, चित्रा राजमा जी। चित्रा राजमा जी, आज सब्जी में ब्लैक चने बने हैं। अच्छा जी, रोज चेंज होता है? डेली चेंज, कड़ी राजमा डेली होते हैं। अच्छा जी, बाकी चेंज होती है। ठीक है जी। अच्छा, डेली चेंज होता है आपका, तो ये टोटली वेज रहता है? हाँ जी, टोटली वेज रहता है। हाँ जी, ओनली वेज। ये आज कड़ी पकौड़ा है, कड़ी भी हमारी डेली होती है। कड़ी की रंगत बहुत अच्छी है जी, ये तो बहुत बढ़िया, और पकौड़े पूरी मात्रा में। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है जी, और आज सूखी सब्जी में बनी है आलू बंद गोभी की सब्जी। वाह जी वाह, आप चेक कर सकते हो। और साथ में होता है बूंदी का रायता। बूंदी का रायता, अच्छा, इसकी भी आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल बढ़िया होगा। साथ में होती है हमारी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी, अच्छा, ये भी बड़ी आपकी फेमस है जी चटनी। बिल्कुल जी बिल्कुल। और मिक्स सैलेड। मिक्स सैलेड, हाँ जी, इसमें सब कुछ है, मूली वगैरह ये हो। ठीक है जी। और ये आपका टाइमिंग क्या है यहाँ पे आने का? हमारा टाइमिंग है सुबह 9:30 से, हाँ जी, शाम को 4:30 बजे तक। 4:30 बजे तक, हाँ जी, उसके बाद वाइंड अप। बिल्कुल। ठीक है जी, तो आपकी दिनचर्या सुबह कितने बजे उठते हैं आप? कितने बजे ये बनाते, घर पे बनाते होंगे सब? हाँ जी बिल्कुल, घर से बना के लाते, सिर्फ यहाँ पे रोटी और पराठा बनता है। अच्छा, रोटी और पराठा बनता है, ठीक है, ये बना रहे मैडम। हाँ जी, ये भी आपके, ये मेरी सिस्टर ही है। सिस्टर, ठीक है जी, नमस्कार जी। पराठे में गोभी पराठा। अच्छा, गोभी पराठा, सभी कुछ। ठीक है जी। अच्छा, ये मिक्स पराठा जी, है ना? हाँ जी हाँ जी, आप चेक कर सकते हो। और ये है जी गोभी पराठा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया जी, आपने तो पूरा छोटे से कार्ट में आपने पूरा ढाबा रखा हुआ है जी। बिल्कुल, कोई बिल्कुल, किसी चीज की कमी नहीं है, है ना, सारा कुछ रखा हुआ है आपने। हाँ जी, और आपके यहाँ पे कब रश होता है, कब ज्यादा लोग आते हैं? मतलब लंच टाइम में ज्यादा क्राउड हो जाता है, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट चलता है, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, और लंच टाइम में पूरा क्राउड होता है। कितने सालों से बताया आपने लगा रहे? 4-5 साल हो गए। 5 साल हो गए इस जगह पे। ठीक है, यानी लॉकडाउन से पहले? हाँ जी, लॉकडाउन। अच्छा ठीक है जी। स्टडी कितनी है जी? मैं ग्रेजुएशन। अच्छा वाह जी वाह, गुड। तो फिर ये ग्रेजुएशन करके आपने कहीं जॉब का ट्राई नहीं किया? नहीं, जॉब का नहीं, मेरे बस पार्ट टाइम है, बच्चे जॉब करते हैं। अच्छा ठीक, हाँ जी, बच्चे जॉब करते हैं, ठीक है। थोड़ा है कि बंदा घर पे फ्री ना रहे। हाँ बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपने, अच्छा, तो ये आपका ये आइडिया आया कैसे? आपने जब एक्चुअली हम भी ऐसे मार्केट घूम रहे थे, किसी का स्टॉल देखा, तो मन में हुआ कि हम भी एक छोटा सा कार्ट खोले। हाँ बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, तो कार्ट लगा जी। धीरे 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 सेटअप किया तो अच्छा चलने लगा। अच्छा, माइंड में आपको किसी को देख के आया? हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ऐसे मार्केट से जा रहे थे, किसी जगह क्राउड देखा, तो फिर सोचा कि हाथ में हुनर है तो थोड़ा हम भी स्टार्टअप करते हैं। थोड़ी से स्टार्ट किया, अब बहुत बढ़िया हो गया। दिनचर्या आपकी क्या रहती है, सुबह कितने बजे शुरू होते हैं खाना बनाने? 5 बजे उठती हूँ मैं, उसके बाद 8 बजे तक खाना बनता है। अच्छा जी, 9-9:30 बजे तक हम यहाँ पे आ जाते हैं, उसके बाद चलता रहता है। अच्छा, टोटली जो खाना है सारा घर से बनाते हैं, सिर्फ पराठे यहाँ बनते हैं ना? पराठे और चपाती। ठीक है जी, पराठे और चपाती। अच्छा, ये मैंने देखा बच्चे आए हुए, ये सब कंपनीज के हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये टीपी कंपनी के बच्चे हैं यहाँ पे, काफी कंपनीज है, ठीक, IT कंपनीज है, BPO है, सभी तरह की कंपनी। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आपको यहाँ पे काम करते हुए देखते हुए, जैसे आप काम कर रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा आपको देखा मैंने। तो आप कोई मैसेज कोई देना चाहते हैं, जो कई औरतें होती है घर से निकलना तो जाती है लेकिन थोड़ा शर्म करती है? हाँ, नहीं, एक बार शर्म आएगी, एक बार आप घर से निकल के देखो, बाहर भी बहुत कुछ, किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपने हाथ में कुछ हुनर होना चाहिए, ताकि कल को हमें किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल जी, आजकल मुझे पता है कि रिश्तेदार कोई काम नहीं आता। नहीं, बिल्कुल जी बिल्कुल, ये सच्चाई है। बिल्कुल जी, कई हैं खड़े भी होते हैं, कई हैं जो नहीं भी होते।
तो ये जितना आपने दिखाया सारा कुछ, ये कितने की प्लेट है? हमारी 60 रुपीस की थाली होती है। अच्छा जी, आप कहते हो तो मैं आपको थाली बना के दिखा दूँ। और जैसे किसी को रिफिल करवाना हो, जैसे और रिफिल के कोई चार्जेस? अच्छा, उसके चार्ज रिफिल के कोई चार्जेस? चपाती के एक्स्ट्रा? चपाती के एक्स्ट्रा चार्ज। अच्छा, फिर तो ये आप एक तरह का समाज सेवा कर रहे हैं, लंगर चला रहे हैं। सेवा भी कर रहे हैं और अर्निंग भी कर रहे हैं, अच्छी अच्छी दुआएं भी ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, अच्छा खाना खिला रहे हैं जी, घर जैसा खाना खिला रहे हैं आप। बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल अच्छा लगा जी। और ये जितना भी लाते हैं आप सारा कुछ, ड्रम्स जितने भर के लाते हैं सुबह? हाँ जी बिल्कुल। तो शाम तक हो जाता है फिनिश? बिल्कुल हो जाता है, कहीं पर रह भी जाता है टाइम पे। तो आप अपने काम से खुश हैं? अगर कहीं और जॉब करते आप इसके अलावा? नहीं, ये सबसे बढ़िया जॉब का ये है कि किसी के अंडर हम करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कि अपनी मर्जी से जब छुट्टी कर लो, जब दिल करता है। सैटरडे संडे को ऑफ रहता है हमारे यहाँ। बाकी अगल बगल में भी है आपकी दुकान? इधर हमारे नान वाले हैं, इनका भी अच्छा रिस्पॉन्स है। इधर मेरी सिस्टर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा ठीक है जी। तो यानी कि जितनी भी बेल्ट है ये सब चलती है, मतलब कहना सबका काम बढ़िया चलता है? सबका डिफरेंट अलग अलग खाना है? हाँ जी, सबका अलग, सबका अलग अलग खाना। हाँ जी, हाँ जी। है सेम खाना नहीं है? चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये परोठे जो है कितने रुपए का देते हैं आप? ये हमारी 60 रुपीज की थाली है, परांठे के भी, जिसमें दो परांठे है, सब्जी है, बटर है, चटनी है, सैलेड। अच्छा वाह जी वाह, रायता? ठीक है, रायता भी है। हाँ जी ठीक है। फिर तो छोड़ा ही नहीं आपने कुछ, सब कुछ दे दिया आपने तो 60 रुपीज में। पैकिंग भी जाती है, हमारी पैकिंग वाली थाली होती है। अच्छा, वो 80 रुपीस की जाती है। तो आपका स्विगी जोमेटो से है कोई? नहीं सर, स्विगी जोमेटो से नहीं है। अच्छा, ऐसी ये हमारी पैकिंग की थाली है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, ये इसमें देते हैं आप? हाँ जी, इसमें राइस पूरी रिफिल होकर जाती है, 80 रुपीस की थाली जाती है। ऑफिस वगैरह में भी डिलीवरी है हमें। अच्छा, और यहाँ पे आके जो खाएगा उसको 60 है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा बताया जी आपने। और आपको देख के, इस वीडियो को देख के जितनी भी लेडीज हैं, मुझे लगता है उन्हें थोड़ा हौसला मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, जो काम करना चाहती हैं। हाँ जी, है ना। आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत अपना कीमती टाइम दिया, धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको हमारा अच्छा लगा फूड स्टॉल तो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हाँ नहीं, फूड के लिए तो आना पड़ेगा ना यहाँ पे? फूड के लिए जरूर आए और जरूर टेस्ट करके एक बार। हाँ, वो कैसे पता चलेगा? वीडियो के माध्यम से नहीं पता चलेगा, वो आना पड़ेगा यहाँ पर। और लोकेशन बता दें? हमारी लोकेशन है 91 सेक्टर की तरफ। अच्छा, ऑन रोड। ठीक है जी, ठीक है। नियर अबाउट टीपी है, यहाँ पे टीपी कंपनी है, कॉल सेंटर है, उसके बिल्कुल राइट जाके रोड पर।